क्लास 9th, पार्ट 5, चैप्टर 4, हिस्ट्री। द न्यू फॉरेस्ट लॉस चेंज्ड, हु को ढंग से यहाँ से पढ़ना है। द न्यू फॉरेस्ट लॉ चेंज द लाइफ ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन जेट अनदर वे। बिफोर द फॉरेस्ट लॉ, मैनी पीपल हु लिव्ड इन और नियर फॉरेस्ट हैड सर्वाइव्ड बाय हंटिंग डियर, पेट्रिजेस एंड वेराइटी ऑफ स्मॉल एनिमल्स। अब जो न्यू फॉरेस्ट लॉ आए थे उसकी वजह से क्या हुआ था, काफ़ी जो वहाँ के ड्वेलर्स निवासी थे, ठीक है, उनकी लाइफ चेंज हो गई थी। कैसे, जब फॉरेस्ट लॉ नहीं था तो मैनी पीपल लिव्ड इन और नियर फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में रहते थे या उसके आसपास, वो लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे। वो लोग मीट वगैरह खाते थे तो वो लोग डियर वगैरह हंट करते थे, हंटिंग डियर, पेट्रिजस, पेट्रिजस एक पक्षी होता है, बटेर बोलते हैं उसको, एंड वैरायटी ऑफ स्मॉल एनिमल्स, छोटे मोटे ये पशु वगैरह मार के खाते थे। उनकी ये प्रैक्टिस थी रोज की, मतलब रूटीन वर्क था उनका। द कस्टमरी प्रैक्टिस वॉज प्रोहिबिटेड बाई द फॉरेस्ट लॉस, दोज हु वर कॉट हंटिंग वर नाउ पनिश्ड फॉर पोचिंग। ये जो प्रैक्टिस ये लोग करते थे, प्रैक्टिस करते थे मतलब जो रूटीन वर्क करते थे, इसको बैन कर दिया गया, और कोई भी अगर ऐसा करता हुआ पाया गया, पोचिंग मतलब हंटिंग करता हुआ अगर पाया गया, शिकार करता हुआ, तो उसे पनिश किया जाएगा। अब देखो, वो लोग शिकार कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें पनिश किया जाएगा। अब देखते हैं, वाइल द फॉरेस्ट लॉ डिप्राइव्ड पीपल ऑफ देयर कस्टमरी राइट्स टू हंट। डिप्राइव्ड मतलब पीछे छोड़ दिया है ना, वंचित रह गए उन सब चीज़ों से, किससे, जो उनके राइट्स थे, अधिकार थे, कि वो लोग हंटिंग करते थे, वो उनसे छीन लिया गया। हंटिंग ऑफ बिग गेम बिकेम अ स्पोर्ट। अब उनके लिए ये सब स्पोर्ट बन गया है, मतलब एक मनोरंजन का साधन, और वो लोग छोटे मोटे जानवर मानते नहीं, मारते नहीं थे, एलिफेंट, टाइगर, लॉयन, इन्हें मारेंगे। हंटिंग ऑफ बिग गेम बिकेम अ स्पोर्ट। इन इंडिया हंटिंग ऑफ टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स हैड बीन पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द कोर्ट एंड नोबिलिटी फॉर सेंचुरीज। जैसे टाइगर स्टार्टिंग में अगर आपने देखा होगा कि शिकार पे जाते थे राजा महाराजा, ऐसा नहीं कि उन्हें उसकी ज़रूरत थी, मनोरंजन के लिए, चलो किसी को चलो मार देते हैं, मतलब एक ऐसा एक मनोरंजन का साधन था उनका शिकार करना। मैनी मुगल पेंटिंग्स शो प्रिंसेस एंड एम्प्रेस एन्जॉइंग अ हंट। देखी होगी कभी पेंटिंग्स वगैरह की, वो हंटिंग कर रहे हैं राजा लोग। बट अंडर कॉलोनियल रूल द स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज्ड टू सच एन एक्सटेंट दैट वेरियस स्पीशीज बिकेम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। पर ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हुआ था, हंटिंग इस एक्सटेंट तक बढ़ गई थी, इतनी बढ़ गई थी कि बहुत सारी जो स्पीशीज है, ठीक है, वो अब विलुप्त हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, अब वो दिखती नहीं है बहुत सारे। पहले इन लोगों ने, अभी हम आगे एक फिगर देखेंगे, तो बहुत सारे टाइगर्स को, लॉयंस को, चीतास को इन्होंने मार दिया था। रियल लाइफ में अब चीता एग्जिस्ट नहीं करता है, सारे चीतास मर गए। ऑफिशियल फिगर के अकॉर्डिंग एक भी चीता नहीं है अब, लेपर्ड है पर चीता नहीं है, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ऐसा क्या मानते थे, देखो यहाँ पे ना, वो स्पीशीज जो उन्होंने बहुत सारी हंट की थी वो ख़त्म हो गई। द ब्रिटिश सॉ लार्ज एनिमल्स इज साइन ऑफ वाइल्ड प्रिमिटिव एंड सीवेज सोसाइटी। वो लोग ऐसा समझते थे कि जो लार्ज एनिमल्स हैं, ठीक है, ये एक साइन ऑफ सीवेज है या प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइप के, ये क्या शो करते हैं, अगर ये जानवर्स देखेंगे तो क्या शो होगा कि हाँ आज भी यहाँ ट्राइबल्स रहते हैं, इंडियंस रहते हैं। तो उन्होंने, और ये जो जानवर वगैरह हैं बड़े खतरनाक हैं, कैसे, फियर, सीधी सी बात है, जंगली जानवर खतरनाक होगा, तो एक जो विल्डरनेस वाला पॉइंट पहले बताया था कि वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनका फियर था इनको, तो इन्होंने उन्हें मार दिया। सीवेज मतलब जंगली है, ये लोग वाइल्ड हैं, तो इन्हें मार दिया जाए। दे बिलीव डेट बाई किलिंग डेंजरस एनिमल्स। नेक्स्ट पेज। जो ये ट्राइबल पीपल्स हंट करते थे ना, ये लोग अपना जीवन चलाने के लिए हंट करते थे, ठीक है। अंग्रेज क्यों मार रहे थे, क्यों, क्योंकि एक फियर था और एक एंटरटेनमेंट पर्पस से, एक उनके लिए एक बिग स्पोर्ट बन चुका था। दे बिलीव्ड दैट बाय किलिंग वाइल्ड एनिमल्स द ब्रिटिश वुड सिविलाइज इंडिया। उनको, ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि अगर ये जो जानवर हैं, जंगली जानवर, इनको हम मार के इंडिया को सिविलाइज़ करेंगे। सिविलाइज़ करेंगे मतलब सुधार देंगे या बेहतर बना देंगे या सभ्य। उनको लगता था इंडियंस एकदम गांव टाइप, गवार, इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, ठीक है, तो इस हिसाब से हम उन्हें सुधार देंगे, यहाँ के जानवरों को मार के यहाँ सब इम्प्रूवमेंट ला के। ये तो इनका ऐसे एक फ्रंट एंड पे जवाब देने का था, पर एक्चुअल में ये लोग क्या करते थे, अब डोमिनेट करते थे, इनको फियर ना हो उन जानवरों का, इसलिए उन्होंने उसको मार दिया, बहुत सारे जानवर मारे गए। दे गिव रिवार्ड फॉर द किलिंग ऑफ टाइगर्स। अब देखो, दे गिव रिवार्ड फॉर द किलिंग ऑफ टाइगर्स। अब ये क्या करते थे, कुछ लोगों को बोलते थे कि जाओ टाइगर को मार दो, टाइगर को मार दो, लॉयन को मार दो, व्हाटएवर, उनको रिवॉर्ड, उनको पैसा दिया जाता था। अब जो लोग मारते थे, क्यों मारते थे, उनकी मजबूरी थी मारना, पहली बात तो ब्रिटिशर्स का ऑर्डर है, ठीक है, दूसरी बात इनके फॉरेस्ट वगैरह इनसे छीन लिए गए तो वो लोग की जीवन कैसे चले, ठीक है, फिर उनको पैसा भी मिलता था, तो पहली बात तो फॉरेस्ट छिन चुका था, फिर ब्रिटिशर का ऑर्डर था, रिवॉर्ड भी मिलता था, इसलिए प्रॉफिट मोटिव के लिए कुछ लोग मारते थे टाइगर्स को।
वोल्स एंड अदर लार्ज एनिमल्स ऑन द ग्राउंड दैट दे पोज्ड थ्रेट टू कल्टिवेटर्स। ठीक है, तो जो जो जानवर कल्टिवेटर्स को, यूरोपियन कल्टिवेटर्स को नुकसान पहुंचाते थे, जिनसे डर था, उनको मारने का रिवार्ड मिलता था। ओवर 80,000 टाइगर्स। अब देखो 1875 से 1925 के बीच 80,000 टाइगर मार दिए गए, 50,000 लेपर्ड मार, 1,50,000 लेपर्ड मार दिए गए और 2 लैक्स वोल्स मार दिए गए, भेड़िए। ग्रेजुअली द टाइगर केम टू बी सीन एज ए स्पोर्टिंग ट्रॉफी। ये करना उनके लिए एक सेंस ऑफ प्राइड था। सेंस ऑफ प्राइड मतलब बहुत सारे ये लोग ऐसा मारते थे तो सोचते थे कि हाँ बहुत, एक हमने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, एक स्पोर्टिंग ट्रॉफी की तरह, जैसे इन्हें कोई ट्रॉफी मिलेगी, ऐसा करके सेंस ऑफ प्राइड लगता था इन्हें। द महाराजा ऑफ सरगुजा एलोन, एक महाराजा थे इंडिया के सरगुजा, उन्होंने अकेले ने 1157 टाइगर मार दिए थे, 2000 लेपर्ड। कब तक? 1957 तक, सिर्फ 1957 तक अकेले उस आदमी ने। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज यूल, अब ये जो जॉर्ज यूल था, इसने क्या किया था, 400 टाइगर मार दिए थे। जॉर्ज यूल, याद रखना जॉर्ज यूल इंपॉर्टेंट है, किल्ड 400 टाइगर्स, उसने अकेले ने 400 टाइगर मार दिए थे। इनिशियली सर्टेन एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वर रिजर्व फॉर हंटिंग, कुछ एरियाज को रिजर्व करके रख दिया था किन्होंने, अंग्रेजों ने। मैंने आपको बताया था पहले, तीन टाइप में फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया, 3 कैटेगरीज में। ठीक है, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट, ऐसे करके। तो जो फॉरेस्ट रिजर्व थे वहाँ पे ट्राइबल्स नहीं आ सकते थे, वो हंटिंग के लिए रिजर्व थे। ओनली मच लेटर डिड एनवायरमेंटलिस्ट एंड कंजर्वेटर्स बिगिन टू आर्ग्यू दैट ऑल दीज स्पीशीज ऑफ एनिमल्स नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड एंड नॉट किल्ड। इतने सारे लोग, पहले शेरों को मारा, वोल्स को मारा, चीता को मारा, उसके बाद अब अवेयरनेस फैला रहे हैं कि इस स्पीशीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ज़रूरी है जंगल के लिए, फूड साइकिल के लिए, लाइफ साइकिल के लिए, इसलिए इन्हें कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो मारा, अगर ऐसा करते ही नहीं तो कंजर्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ओनली मच लेटर, बहुत टाइम बाद इन्होंने कहा कि इन्हें कंजर्व करना चाहिए। इधर पे आप एक लाइन पढ़ो तो क्या लिखा है, काउंट दी डेड टाइगर्स इन दी फोटो। व्हेन ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिशियल्स एंड राजास वेंट हंटिंग देन दे वर एकम्पेन्ड बाय अ होल रेटिन्यू ऑफ सर्वेंट्स। यूजुअली द ट्रैकिंग वॉज डन बाई स्किल्ड विलेज हंटर्स एंड दिस साहिब सिंपली फायर्ड डेड शॉट। एक बार फिर पढ़ो और समझने की कोशिश करना। इधर पे देख लो टाइगर कितने मरे हुए हैं। ये लोग क्या करते थे, जो कॉलोनियल ऑफिसर्स थे, ये लोग जब हंट करने जाते थे ना, तो ऐसा नहीं अकेले जाते थे, अपने साथ पूरी सेना, सेना पूरी सेना मतलब 6-8 लोग लेकर जाएंगे। और कैसे, कोई एक पर्सन है वो और उसकी फैमिली, इनका होता क्या था कि किसी हिंदुस्तानी को नौकर बना लिया, उसकी फिर पूरी फैमिली नौकर रहती थी, जैसे बेटा और बाप इसके अंडर में रहेगा। अब वो जो उनके घर की फीमेल मेंबर है वो उसके यहाँ पे खाना बनाएगी। ठीक है, जैसे होता है ना बड़े बड़े घरों में कि पूरी फैमिली एक के यहाँ एम्प्लॉयड होती है, वैसा ही करके। तो होल रेटिन्यू, रेटिन्यू मतलब होता है कि पूरा का पूरा परिवार, किसका, सर्वेंट का, सर्वेंट और उसका पूरा परिवार उसके साथ चलता था, एकम्पेंड। फिर क्या होता था, ट्रैकिंग वॉज डन बाई स्किल्ड विलेज हंटर्स। उसमें से जो स्किल्ड विलेज हंटर है, जो विलेज हंटर जो स्किल्ड है मतलब शिकार में माहिर है, वो क्या करेगा, वो पहले टाइगर ढूंढ के रखेगा, वो देखो वो है टाइगर। ठीक है, फिर महाराजा क्या करेंगे, भाई साहब आके वो सिर्फ और सिर्फ गन चलाएंगे। ठीक है, मतलब ढूंढेंगे नहीं, सिर्फ वो उनको ढूंढ के कोई देगा ये अंग्रेजों को, उसके बाद फिर ये लोग सिर्फ उसको शॉट करेंगे। और बड़ा मज़ा आ जाता था इन्हें ये सब करने में। न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विस। अब क्या हुआ कि फॉरेस्ट वगैरह सब बंद हो गया, फिर इन्होंने क्या किया, अब मैंने आपको बताया था ओक ट्रीज वगैरह उगाते थे, टिम्बर चाहिए रहता था रेलवे के लिए, स्लीपर्स। तो अब क्या हुआ, नई ट्रेड्स हुई मतलब अब टिम्बर का अगर पेड़ उगाया जाने लगा, ठीक है, तो अब कुछ इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट मिला कि चलो तुम हमें टिम्बर तोड़ के देना, या हमने पेड़ उगाए हैं टिम्बर, तुम ये पेड़ उगाओ टिम्बर, उसके बाद इसे काटो, इसके ये इसको ट्रांसपोर्ट करो ब्रिटेन में। तो जो भारतीय लोग हैं ट्राइबल्स मतलब, उनको अब एक नया काम मिल गया, वो काम हटकर अब एक दूसरा काम मिल गया, समझ रहे हो ना। पहले हम लोग कोई एक बिज़नेस करते थे, अब उसका अगर फैशन ख़त्म हो जाए तो फिर हम दूसरा बिज़नेस करेंगे। वाइल पीपल लॉस्ट आउट इन मेनी वेज आफ्टर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कंट्रोल द फॉरेस्ट, सम पीपल बेनिफिटेड फ्रॉम द न्यू अपॉर्चुनिटीज दैट हैड ओपन अप इन ट्रेड। कुछ लोगों ने तो जॉब लॉस्ट कर दी थी, कुछ लोगों को ब्रिटिशर्स के अंडर में काम मिल जाता था, या वो लोग ऐसा काम करते थे जिसकी ब्रिटिशर्स को डिमांड थी। ठीक है, जैसे अब क्या करेंगे, वो लोग पहले खेती करते थे चावल की या गेहूँ की, तो अब वो लोग किसकी खेती कर रहे हैं, वो लोग ओक ट्रीज उगा रहे हैं। ठीक है, कॉटन उगा रहे हैं, क्यों, ताकि ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ये जाएंगी, और कुछ लोग ब्रिटिश के अंडर एम्प्लॉयड हो गए, तो बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी थी।
Many communities left their traditional occupation and started trading in forest product. This happened not only in India but across the world. सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगह हो रहा था. For example, with the growing demand for rubber in the mid 19th century, the Munduruku people of Brazilian Amazon, who lived in village on high ground and cultivated manioc, began to collect latex from wild rubber trees for supplying to trades. अब देखो example बताया गया है कि जो रबड़ की डिमांड मिड 19th सेंचुरी के बाद बढ़ गई थी. मिड 19th सेंचुरी मतलब 1850 के बाद. अब मुंडरुकू पीपल ऑफ ब्राज़ीलियन अमेज़न, अमेज़न क्या है? एक फॉरेस्ट है. तो मुंडरुकू ये क्या है? ट्राइबल कमेटी का नाम है जो कहाँ पे रहती थी? विलेज में. ब्राज़ीलियन अमेज़न हु लिव्ड इन विलेज ऑन हाई ग्राउंड एंड कल्टिवेटेड मेनियोक. वो ये जो मुंडरुकू थे ये क्या उगाते थे? मेनियोक. मेनियोक मैंने मतलब आपको बताया था सकला करके, ठीक है. वो पहले वो उगाते थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया? रबर ट्रीज से वो लोग क्या करते थे? रबर ट्री होता है ना, उसमें से लेटेक्स गिरता है, ठीक है. एक बाउल रहता है, वो ड्रॉप ड्रॉप करके लेटेक्स गिरता है, उसमें फिर वो जम जाता है, उससे फिर रबड़ बनाया जाता है. बिगन टू कलेक्ट लेटेक्स फ्रॉम वाइल्ड रबर ट्रीज फॉर सप्लाइंग टू ट्रेडर्स. उन्होंने लेटेक्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया, वो सप्लाई करना कर दिया, स्टार्ट कर दिया अंग्रेज़ों को. ग्रेजुअली दे डिसेंडेड टू लीव इन ट्रेडिंग पोस्ट एंड बिकेम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स. ग्रेजुअली दे डिसेंडेड टू लीव इन ट्रेडिंग पोस्ट. अब क्या हुआ कि पूरी तरीके से ना ये लोग अंग्रेज़ों के ऊपर डिपेंड हो गए, है ना. क्योंकि देखो वो लोग वही बेच रहे हैं जो जिसकी अंग्रेज़ों को डिमांड है. ये लोग काम वही कर रहे हैं जैसा अंग्रेज कह रहे हैं, ठीक है. कुछ लोग अपना काम कर रहे थे, लेकिन वो काम कर रहे थे जैसा, ऐसा काम कर रहे थे, ऐसा प्रोडक्ट उगा रहे थे जिसकी अंग्रेज़ों को डिमांड है, या कुछ लोग जो थे वो अंग्रेज़ों के अंडर में एम्प्लॉयड हो गए थे, ठीक है. तो पूरे तरीके से डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स, अंग्रेज़ों के ऊपर डिपेंड हो गए थे. नेक्स्ट पोर्शन हम कल पढ़ेंगे. थैंक यू.